शिव प्रतिमा के सामने ही क्यों विराजते हैं नंदी? भगवान शिव के वाहन नंदी से संबंधित एक कहानी जिससे हमें पता चलेगा कि नंदी क्यों और कैसे महादेव की सवारी बने और शिव प्रतिमा के सामने ही क्यों विराजित होते हैं नंदी। शिलाद मुनि के ब्रह्मचारी हो जाने के कारण वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने अपनी चिंता उनसे व्यक्त की। मुनि योग और तप आदि में व्यस्त रहने के कारण गृहस्थ आश्रम नहीं अपनाना चाहते थे। शिलाद मुनि ने संतान की कामना से इंद्रदेव को तप से प्रसन्न कर जन्म और मृत्यु से हीन पुत्र का वरदान मांगा, परंतु इंद्र ने यह वरदान देने में असमर्थता प्रकट की और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कहा। भगवान शंकर शिलाद मुनि के कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं शिलाद के पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया और नंदी के रूप में प्रकट हुए। शंकर के वरदान से नंदी मृत्यु से भय मुक्त अजर अमर और अदुखी हो गया। भगवान शंकर ने उमा की सम्मति से संपूर्ण गणों गणेशों व वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक करवाया। इस तरह नंदी नंदीश्वर हो गए। बाद में मरुतों के पुत्री सुयशा के साथ नंदी का विवाह हुआ। भगवान शंकर ने नंदी को वरदान दिया कि जहाँ पर नंदी का निवास होगा वहाँ उनका भी निवास होगा। तभी से हर शिव मंदिर में शिवजी जी के सामने नंदी की स्थापना की जाती है।